हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों अपने सैमसंग के फ़ोन में दोस्तों हम फेस लॉक को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों अपने फ़ोन में फेस लॉक को सेटअप करना चाहते हो दोस्तों आप कैसे सेट कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो सैमसंग के फ़ोन में। दोस्तों बिना किसी देरी के हम फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं फेस लॉक सेटअप करने के लिए। और फेस लॉक सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सैमसंग फ़ोन दोस्तों आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है या दोस्तों यहाँ पर आप प्राइवेसी पे क्लिक कर लो। दोस्तों मैं पहले प्राइवेसी पे इसे बताता हूँ आपको, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फेस लॉक पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको देख रहा हो फेस लॉक, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और दोस्तों अगर आपके फ़ोन में आपको कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ दोस्तों पहले आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा लॉक स्क्रीन पर। पिन, पासवर्ड या दोस्तों पैटर्न कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं पिन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस पिन को यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है 1 2 3 4 इस तरह दोस्तों एग्जांपल के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी पिन यूज़ कर सकते हो पर दोस्तों आपको भूलना नहीं है और ओके कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फेस लॉक को शो करना है। दोस्तों यहाँ पर अपने फेस को शो कर दो आप इस फ्रेम में। तो दोस्तों जैसे आप फेस को शो कर दोस्तों कुछ सेकंड बाद आपके फोन दोस्तों फेस लॉक ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा 100% होते ही। और आप यहाँ पर आपको क्या करना है और दोस्तों आपको अपने फ़ोन को लॉक कर लेना है। और दोस्तों अनलॉक करेंगे दोस्तों अगर आप अपने फेस को अपने इस कैमरे पे शो करो दोस्तों आपका फ़ोन यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे आप यहाँ पे स्वाइप करोगे आपका फ़ोन यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा इस तरीके से। जैसे दोस्तों मैंने फेस को शो करा, फ़ोन अनलॉक हो गया इस तरीके से हमारे फ़ोन में। अब दोस्तों यहाँ पर अपने फ़ोन को आप पिन से भी अनलॉक कर सकते हो, यहाँ पर आपको पिन को एंटर कर देना है और आपका फ़ोन यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों आप दो तरीके से अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, अपने फेस को शो करके, पिन को एंटर करके। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्राइवेसी सेटिंग पे क्लिक करके आपको अपने बायोमेट्रिक पे क्लिक करके आपको फेस लॉक पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। एंटर करते दोस्तों यहाँ पर आपको फेस अनलॉक सेटिंग दिखेगी, रिमूव फेस डाटा। अगर दोस्तों आप अपने फेस डाटा को हटाना चाहते हो यहाँ पर आके आप इसको रिमूव कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप नए फेस लॉक को लगाना चाहते हो, मतलब अपने फैमिली मेंबर में से किसी एक का, दोस्तों आप अपने अपने फ्रेंड वगैरह का लगाना चाहते हो, यहाँ पर आपको दोस्तों फेस को शो कर दे रहे हैं इस फ्रेम में। और दोस्तों वो फेस लॉक आपके फ़ोन में वापस से सेट हो जाएगा और आपको यूज़ नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर आके आप इसको रिमूव कर देना और रिमूव करना दोस्तों आप अपने फ़ोन दोस्तों फेस लॉक को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों फेस लॉक शो नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों हम इस तरीके से अपने फ़ोन से हम फेस लॉक को सेटअप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने स्क्रीन लॉक पासवर्ड को अगर आप दोस्तों हटाते हो दोस्तों, तो दोस्तों आपके फ़ोन दोस्तों अगर फेस लॉक अगर लगा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दोनों चीज़ यहाँ पर आपके फ़ोन में रिमूव हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको फेस लॉक भी नहीं मिलेगा और पिन लॉक भी नहीं मिलेगा आपके फ़ोन में अगर आप अपने लॉक स्क्रीन को हटा देते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।